हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ जो न्यू कैरेक्टर आने वाला है लॉरा, उसके बारे में। सो वीडियो शुरू करने से पहले उस कैरेक्टर का थोड़ा स्नीक पीक देख लो आप। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है, उस वीडियो के मुताबिक कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और उससे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि वीडियो लाने में बहुत लेट हो गई, क्योंकि मैंने पहले से वीडियो बना लिया था लेकिन अपलोड करते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो को फिर से शूट करके वीडियो को फिर से तैयार करना पड़ा। और इस कैरेक्टर में जो फ्री फायर के फेसबुक पर जाकर देख सकते हो, एक नया अपडेट आया है। तो इस फ्री फायर अगर फेसबुक से आ गए, अगर आप उनके फेसबुक पर लाइक नहीं किए हो तो अभी तक जाके लाइक कर दो यार। 10 मिलियन अगर लाइक हो गए तो आपको 8 मई से 12 मई तक आपको एक नया डेली आपको एक ओपन वाउचर मिलेगा। आपको गारंटी नई नई स्किन, बहुत बढ़िया बढ़िया स्किन ले सकते हो, तो जाके लाइक कर दो यार। तो आते हैं अब मुद्दे पे। तो जो टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है न्यू कैरेक्टर लॉरा की। फुल डिटेल्स देने वाले हैं वो आपको। जो लॉरा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली लॉरा एक सीक्रेट एजेंट है जो इस कैरेक्टर को लाने के लिए फ्री फायर बहुत गरीना वालों बहुत ही पहले से प्लानिंग कर रहे थे। तो अगर सीक्रेट एजेंट होगा तो पता चल गया होगा बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर होगा, इसकी एम बहुत ही शार्प होगी। तो इसकी इसकी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एबिलिटी है एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ाया गया है। एक्यूरेसी होता क्या है, एक्यूरेसी होता जब आप बंदे को गोली एम करते हो, आपकी गोली कितना जाके उसको लगती है। एक्यूरेसी हाई होगा तो 5 गोली मारोगे तो 5 जाके उसको लगेगी, और एक्यूरेसी खराब होगा तो 5 गोली मारोगे तो 1 लगेगी। जैसे AK-47 अगर आप बायोपोर्ट और सिगरेट नहीं लगा के खेलोगे तो आपको 5 गोली मारोगे तो 1-2 ही गोली लगेगी, बाद 2-3 गोली लगता ही नहीं AK-47 से। तो शॉर्ट रेंज में ही ज़्यादा गोली नहीं लगता था, अगर मिड रेंज या दूर से मारोगे तो बात ही छोड़ दो उसकी। तो अभी तक जो पता चल रहा है उसके हिसाब से लॉरा की जो एक्यूरेसी है बहुत है। अगर आप इस कैरेक्टर से किसी को गोली एम करके गोली मारते हो तो 5 में से 5 ही लगेगी, अगर जिस रेंज में उन्होंने दिखाया है। तो बेसिकली लॉरा जो कैरेक्टर है आपके हिसाब से बायोपोड और सिगरेट की तरह यूज़ कर सकते हो उसको। तो अगर इस कैरेक्टर से खेलोगे तो आपको बायोपोड और सिगरेट नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इस कैरेक्टर को लेकर खेलोगे, इसका अगर इसकी बंदूक पे अगर आप सिर्फ जो गन होता है उसको अगर बायोपोड और सिगरेट भी लगा दोगे तो भाई पूछो मत, ये तो क्यामत ही हो जाएगी, सामने वाले बंदे की तो लग जाएगी पूरा। अगर लॉरा कैरेक्टर से किसी को स्कोप लगा के मारोगे तो उसको डैमेज ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि कोई बंदूक से 27 जा रहा है बिना स्कोप के, अगर आप स्कोप लगा के मारोगे तो 33 देगा आपको, बहुत ज़्यादा आपको डैमेज देगा। और उसके बाद अगर आप 10 से 30 मीटर के रेंज में किसी को मारोगे तो उसको पक्का 5 में से 5 गोली लगने ही वाले हैं। तो आखिरी में बताना चाहूँगा क्या बाई करने लायक है या नहीं, तो अभी तक तो कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो में दिखाते कुछ है और जब देंगे तब पता चलेगा कुछ और है। तो जब तक कोई बाय नहीं करेगा तो तब तक आपको पूरा फुल कंफर्म हो वीडियो नहीं बना सकते हैं। सो जब आ जाएगा तब आपके फुल वीडियो बना दूंगा, तब देख लेना, फुल रिव्यू दे दूंगा कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि अभी पूरा कंफर्म हो के कुछ बोल नहीं सकते हम कैरेक्टर कैसा होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वीडियो में कुछ देंगे और असलियत में कुछ और देंगे तो कुछ बता नहीं सकते। तो जब ग्राफिक्स की बात आई गई है तो आपको ग्राफिक्स से बताना चाहूँगा फ्री फायर में जो मैप के बारे में, सॉरी मैप नहीं, तो जो मैप में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में करूँगा। हर मैप पे इसके ग्रास को थोड़ा बढ़ाया गया है, जैसे पबजी जो कोई खेलता है उसको पता होगा पबजी में जो बहुत बड़े बड़े ग्रास होते हैं जहाँ पर आप छूट सकते हो, यहाँ पर भी आपको बहुत बड़े बड़े ग्रास देखने को मिलने वाले हैं जहाँ पर आप छूट सकते हो। और गरीना बालों से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है कि अगर आप ग्रास में छुपे हो तो आपका 85% आपका बॉडी में पूरा छुप जाएगा ग्रास में, समझे, 85% ये तो ऑफिशियल कंफर्म है। तो आपको बहुत ही
इजी होने वाला है कहीं पे छूटने को, और किसी बंदे को ढूंढने में भी बहुत हार्ड होने वाला है। सो अब गेम में और इंटरेस्टिंग गेम बहुत सारी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले यार बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर बुरी लगी तो क्या बुरी है वीडियो में बता देना यार, अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। शेयर करने की ज़रूरत नहीं, लाइक ज़रूर कर देना लाइक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।